कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख एक बार फिर आपसे मुखातिब हो रहा हूँ ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन के न्यूज। आज हमारे साथ इमरान खान दोबारा हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए हैं और ये जो डॉक्यूमेंटेशन के कंसल्टेंट है और ये सोशल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व है, तो ये बताना चाहते हैं कि जो ड्रगिस्ट है या अल्कोहलिक है जिनको शराब की एक बहुत बुरी आदत लगी है, तो ये बताना चाहते हैं कि किस तरीके से केम हॉस्पिटल में जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने बेनिफिट रखी है या सेंट्रल गवर्नमेंट से जो बेनिफिट है, ये जो ड्रगिस्ट है, जो अल्कोहलिक है, इनको सुधारने के लिए, इनको साधारण जिंदगी पे लाने के लिए, पटरी पे लाने के लिए, क्योंकि जो भी आदमी अल्कोहलिक होता है या ड्रगिस्ट होता है, ना सिर्फ वो खुद परेशान होता है बल्कि उसकी पूरी फैमिली मेंबर्स परेशान होते हैं। तो इन शॉर्ट मैं इमरान खान से रिक्वेस्ट करूंगा कि व्यूअर्स को इन डिटेल्स में बताएं कि केम हॉस्पिटल में क्या क्या बेनिफिट इन लोगों के लिए गवर्नमेंट ने रखी है। जैसे कि अभी हमारे सर ने जो बताए, तो ये जो केम हॉस्पिटल है ये डी एडिक्शन सेंटर का सबसे बड़ा एडिक्शन सेंटर है, जहां पर हर किस्म के लोग जो भी नशेड़ी होते, शराबी होते, उनको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलता है और ये प्रॉपर ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और ये जो होता है उसमें आपको सिर्फ पेशेंट को लेके जाके एडमिट करना होता है या डॉक्टर्स के पास लेके जाना होता है। अब मैंने यहाँ पर ऐसे ऐसे लोगों को देखा हूँ कि जो फैमिली वाले इतने परेशान हो चुके, या जो फिर ये ऐसे हो गए हैं जो जिन्होंने क्राइम कर दिए, किसी को नशा करते करते किडनी का प्रॉब्लम हो गया, लीवर का प्रॉब्लम हो गया, नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाती है। तो ये इतना प्रॉपर मेडिकल केम वाले करते हैं कि जिसका एक एक फैमिली वाले लोग को होप मिलती है। अब दूसरी बात ये ऐसी है कि जो यूनाइटेड नेशंस है वहां पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे एक डिजीज करार दिया है, और ये डिजीज करार होने से इसकी ऊपर एक ए मीटिंग और एन ए मीटिंग्स होती जो स्कूल्स में होती है, कॉलेजेस में होती है, चर्च में होती है, इवन अभी ये जेल में भी होने लग गई है। तो ये मैं कहना चाहूंगा कि आप आपके जो भी फैमिली मेंबर्स में जो भी हैं आपके फैमिली में से जिसको इस चीज की तकलीफ है, वो केम हॉस्पिटल में जाए, ओपीडी नंबर 4 वार्ड नंबर 40 में, वहां आप अपने पेशेंट्स को लेके जाइए। जो डॉक्टर उनको कंसल्ट करते हैं मेडिसिन के बारे में, उनको कैसे फॉलोअप करना है, गाइड करना है, और इवन ये कि उसके बाद में भी ही ये जो चर्च में मैंने जैसे बताया ए मीटिंग होती है, एन ए मीटिंग होती है, उसमें आप अपने जो भी फैमिली मेंबर्स को जो ये अल्कोहलिक और एडिक्शन का प्रॉब्लम है उसमें आप भेजिए। आपको ऐसा होगा कि आपका जो भी फैमिली मेंबर है वो अच्छा हो जाएगा, वो इस गलत चीज से दूर हो जाएगा। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। थैंक यू। हम मालिक से दुआ करेंगे कि मालिक इस बुरी आदत से, बुरी सोबत से हर इंसान को बचाए, हर सिटीजन को बचाए, हर इंडियन को बचाए, सारी दुनिया के लोगों को बचाए, क्योंकि ये बहुत ही बुरी चीज है। ड्रग्स, अल्कोहल बहुत बुरी चीज है, और हम उम्मीद करते हैं कि इमरान खान ने जैसा बताया, केम हॉस्पिटल का ओपीडी का नंबर बताया, वार्ड बताया, तो जो भी सिटीजन के फैमिली मेंबर जो भी इस बुरी लत से वाबस्ता है, तो यकीनन वो केम हॉस्पिटल अप्रोच करेंगे। वार्ड नंबर भी बता दिए हैं, ओपीडी नंबर भी बता दिए, और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। Friends, if you think that this video is valuable, then please do like, share, comment, subscribe, and please press the bell icon button. Thank you.